नमस्कार, मैं हूं संतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को लेकर पंचायती राज विभाग के निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार द्वारा क्या कहा गया है, आइए इस वीडियो में सुनते हैं। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में मिनिमम 10 सोलर स्ट्रीट लगने हैं। इसके लिए जो प्रक्रिया है ब्रेडा द्वारा वो कर ली गई है, एजेंसी का इम्प्लीमेंट हो चुका है। ओरिएंटेशन जो करनी थी, जो टेक्निकल असिस्टेंट है उनकी ओरिएंटेशन हो चुकी है। इसकी लॉन्चिंग जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा उसके बाद योजनाएं जो है शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले 5 जिलों के 5 पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत वहाँ योजनाएँ जो है ली गई है, उसके सक्सेसफुल को भी देखा जाएगा। और पेमेंट मैकेनिज्म जो डेवलप की जानी है वो अंडर प्रोसेस है, जल्दी ही वो भी जो है सबके सामने होगा। हाँ, यह ज़रूर है कि कहाँ पर सोलर स्ट्रीट लगने हैं, कौन से इलेक्ट्रिक पोल में, उसकी सर्वे जो है वो हो चुकी है। हर वार्ड से सर्वे पूरी हो चुकी है। हर लेवल पे इसकी कमेटी है, प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पे और स्टेट लेवल पे। ये कमेटी जो है इसकी निगरानी करेगी, इसको मॉनिटर करेगी, देखेगी। चूँकि RMS सिस्टम के द्वारा यह पूरी स्ट्रीट लाइट जो लगेगी उसको मॉनिटर किया जाएगा, उसके जो सोलर स्ट्रीट है उसके हेल्थ को चेक किया जाएगा, यानी देखा जाएगा कि वो प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं। क्योंकि इसमें मिनिमम टाइम दिया गया है कि आपको 1 से 2 दिनों में उसको ठीक भी कर लेना है। और चूंकि पेमेंट में आप सभी जानते हैं कि इसमें 40, 30 और 30 का है पूरा रेशियो, यानी कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक जो एजेंसी काम करेगी संबंधित जिले और ब्लॉक में, उनको अगले 5 सालों तक मेंटेन भी करना है। आशा करते हैं हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।